हेलो दोस्तों, सानू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं इस चैप्टर स्टार्ट करूँगा चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है अष्टांग ज्यामिति, दूरी निकालने का सूत्र, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए आज मैं नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 बोल रहा है, मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से निम्न बिंदु की दूरी, तो पहले ये समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, निम्न बिंदु क्या होता है। तो मान लीजिए दूरी निकालना है, मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो इसे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निम्न बिंदु, निम्न बिंदु, और एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, हमें इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बोला क्या है, मूल बिंदु से निम्न बिंदु, मतलब मूल बिंदु से निम्न बिंदु, मतलब उल्टा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ख़त्म। तो मतलब ये हमें, इसको हम लोग मानेंगे ए, इस बिंदु को, और इस बिंदु को मानेंगे बी। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 में आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 7, -24। चलिए, तो मतलब कि ए का मान यहाँ पे मूल बिंदु से निम्न बिंदु, मूल बिंदु से यहाँ, पहले हमें यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से होगा। ठीक है, तो इसका मान हमारा हमारा दिया हुआ है 7, -24 ये, और ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान हम लोग मान लेंगे 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ए बराबर 7 माइनस, नहीं, हमारा ए है 0, 0, और बी है 7 माइनस 24। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है, ए और बी का हमें दूरी निकालना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका ऊपर रूट। तो देखिए यहाँ पे x1 दिख रहा है, y2 y1 दिख रहा है, तो यहाँ पे x2 और y1 कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग पहले वाले को मान लेंगे इसका x1, और दूसरे वाले को मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे हम लोग x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है, अब हमें देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले है x2, तो x2 का मान यहाँ पे दिख रहा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। x1 का मान दिख रहा है 0, तो यहाँ पे 0, इसका ऊपर में होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया -24, माइनस का माइनस, y1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 0, 0 स्क्वायर, 7 में से 0 गया, 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 24, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 576। 49 में 576 ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 625। 625 का वर्गमूल निकालना हमें, 625 का वर्गमूल, यहाँ जोड़ा बनाएंगे, 2 2 जा 4, 6 में 4 या 2, 2 5, 2 2 4, यहाँ पे 5 से इसको इंटू करेंगे तो 225 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आया हमारा 25, इसको लिखेंगे इकाई, ये हमारा आंसर। आइए नंबर
आइए नंबर टू में आते हैं। नंबर टू है हमारा, तो ये बी का मान दिया हुआ है, तो बी का मान हमारा दिया हुआ है 3-4। ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान हमें यहाँ पे 0-0 मानना होगा। मैंने ये समझा दिया है नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन का वन में मैंने समझाया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो इसको मानेंगे एक्स वन, इसको मानेंगे वाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू, इसको मानेंगे वाई टू। तो दूरी निकालना है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इसका ऊपर रूट। तो एक्स टू का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 3, एक्स वन का मान दिया हुआ है 0, वाई टू का मान दिया हुआ है -4, माइनस वाई वन का मान दिया हुआ है 0, तीन में से 0 गया 3, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 ऐड करेंगे 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 21। ये हमारा आंसर है। ये 1 का 3 नंबर में आते हैं, तो ये हमारा b का मान दिया हुआ है a + b a - b। a का मान हमारा 0-0 ही रहेगा, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x2 और इसको y2। तो a b का दूरी निकालना है, तो इसका फॉर्म x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा x2 है a + b माइनस x1 है 0, y2 है a - b माइनस y1 है 0, यहाँ होगा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² यहाँ भी a² यहाँ भी a² दोनों को ऐड करेंगे तो 2a² 2ab - 2ab कट जाएगा, + b² + b² हो जाएगा 2b², इसमें भी 2 यहाँ भी 2 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a² + b², ये पूरे ही रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा आंसर। आइए नंबर टू करते हैं। नंबर टू में बोला है निम्न बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, पहले से मैं समझा देता हूँ। ये दूरी है, ये ए है और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है निम्न बिंदु के बीच की दूरी, निम्न बिंदु इसे बोलते हैं हम लोग निम्न बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है निम्न बिंदु के बीच की दूरी, निम्न बिंदु के बीच की दूरी, बीच का दूरी निकालना हमें। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 5-7, ये बी हो जाएगा हमारा 8 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 5-7 और बी बराबर 8 और 3। इसको हम मान लेंगे एक्स वन, इसको मान लेंगे वाई वन, एक्स टू और इससे वाई टू। दूरी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू हमारा है 8, ये देखिए, माइनस एक्स वन है हमारा 5 का स्क्वायर, वाई टू है हमारा 3 और वाई वन है हमारा 7 स्क्वायर।
आठ में से पाँच गया, तीन का स्क्वायर सात में से तीन गया, चार माइनस चार होगा का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, ये स्क्वायर के साथ भी है, ये स्क्वायर के साथ भी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और चार का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन, तो सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल होता है फाइव, इक्यानवे हमारा आंसर। आइए दो का दो नंबर में देखते हैं, इसे हम लोग मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, इसको मान लो एक्स वन, इसको मान लो वाई वन, एक्स टू और इसे वाई टू, दूरी निकालने का फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू हमारा है टू, एक्स वन है सेवन, वाई टू है माइनस बारह, माइनस वाई वन है ज़ीरो इसका स्क्वायर, सात में से दो गया पाँच, माइनस का रहेगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब बारह का स्क्वायर करेंगे तो वन ट्वेंटी, वन फोर्टी फोर, वन फोर्टी फोर में ट्वेंटी फाइव को ऐड करेंगे तो वन सिक्सटी नाइन, तो वन सिक्सटी नाइन का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, वन 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 टू ये कट जाएगा सिक्सटी नाइन, तो थ्री थ्री ट्वेंटी थ्री को थ्री से इंटू करेंगे तो सिक्सटी नाइन आ जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा थर्टीन इक्यानवे, ये हमारा आंसर। ये नंबर तीन में आते हैं हम लोग, पहले वाले को ए मान लेंगे हम लोग, दूसरे वाले को बी, इसको एक्स वन मानेंगे, इसको वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो ए बी दूरी निकालने फॉर्मूला में यहाँ बिठा देते हैं हम लोग, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू का होता है ज़ीरो माइनस एक्स वन का होता है माइनस तीन बाई टू का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इसका माथा में दो, प्लस वाई टू का मान है हमारा माइनस टू, माइनस वाई वन का मान है ज़ीरो, तो यहाँ देखना है हमें ज़ीरो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, टू साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वही आएगा तीन बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहाँ मैं दिखा देता हूँ माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दो का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, यहाँ देखिए तीन ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन और दो का स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस फोर का फोर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे फोर नाइन, फोर फोर जो सिक्सटीन, सिक्सटीन और नाइन ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ये वर्गमूल इसके साथ भी है, ये वर्गमूल इसके साथ भी है, ट्वेंटी फाइव का वर्गमूल करेंगे तो फाइव, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव और फोर का करेंगे तो टू, ये हमारा आंसर है। इसे हम एक और रूप में लिख सकते हैं हम लोग, टू को फाइव से डिवाइड करके, टू टू जो फोर वन दशमलव फाइव,
इसे हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसके 2.5 इकाई इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों यानी कि आंसर सही है। आइए नंबर फोर में, यहाँ देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इसको एक्स वन, इसको वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो दूरी निकालने का सूत्र हमारा है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू हो गया माइनस टू, एक्स वन है थ्री का स्क्वायर, वाई टू है हमारा माइनस सिक्स और वाई वन है सिक्स। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा। मैं बता चुका हूँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, अब 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 144 में 25 को ऐड कर देंगे हम लोग तो 169, तो 169 का वर्गमूल करेंगे हम लोग यहाँ पे, थर्टीन, ये हमारा 13 इकाई, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर फाइव में आते हैं, पहले वाले को हम ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे हम लोग, तो पहले वाले को एक्स वन, दूसरे वाले को वाई वन, एक्स टू वाई टू। दूरी निकालने का सूत्र है हमारा ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। एक्स टू का मान हमारा कितना है, एट है, एट। एक्स वन का मान है वन, वाई टू का है थ्री, माइनस वाई वन का है माइनस थ्री स्क्वायर, आठ में से गया सात का स्क्वायर थ्री, माइनस माइनस प्लस, तीन का स्क्वायर, सात का स्क्वायर करेंगे तो 49, तीन तीन छः, छः का स्क्वायर 49 प्लस छः का स्क्वायर करेंगे तो 36, 49 में 36 को ऐड करेंगे तो 85 का हमारा वर्गमूल नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। आइए छः नंबर में आते हैं हम लोग, छः नंबर में पहले वाले को ये मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे एक्स वन, इसको वाई वन, एक्स टू वाई टू। दूरी निकालने का सूत्र हमारा है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू है हमारा एट, एक्स वन है फाइव, वाई टू है थ्री, वाई वन है सेवन, आठ में से पाँच गया तीन, सात में से तीन गया फोर, माइनस होगा तीन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इनटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो फाइव इकाई, ये आंसर। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो YouTube पे डालते हैं वो आपको अपडेट मिलते ही रहे।